नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सरल भारती से कक्षा पांचवी के पाठ क्रमांक 8 बीज इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, इतना तो आप सभी जानते हो कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़ मानव जीवन के लिए आवश्यक एवं उपयोगी माने जाते हैं। ये पेड़ वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। बच्चों, पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। ये मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति भी करते हैं बच्चों, जैसे कि हमें पेड़ से फल, फूल, ईंधन, भोजन, बहुत सारी औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, तेल और बहुत सारी उपयोग करने वाली चीज़ें हमें पेड़ से ही प्राप्त होती है। बच्चों, पेड़ों के बिना धरती पर जीवन जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पेड़ हमारे लिए कितने मूल्यवान और कितने महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, उस पाठ में भी पेड़ के महत्व के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये बड़े बड़े पेड़ों का जन्म उनके छोटे छोटे बीजों से होता है। कहने का मतलब है कि बच्चों, एक छोटा सा नन्ना सा बीज कैसे पौधा बनता है और पौधा बनने के बाद कैसे वह पेड़ बनता है, इसी प्रक्रिया को इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चीची करते उड़ गई। बच्चों, ये कहानी एक छोटे से नन्हे से बीज की है। बीज यानी सीड। बच्चों, यह बीज एक दिन एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था। नदी मतलब रिवर। रिवर के किनारे यह बीज पड़ा हुआ था। यह बहुत छोटा था। एक दिन वहाँ अचानक एक चिड़िया आई। अब चिड़िया ने बीज को देखा तो उसने उसे खाने की सोची। चिड़िया ने क्या किया, चिड़िया ने चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बच्चों क्या होता है, तब बीज बोलता है, बीज चिड़िया से बोलता है कि रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। अब बच्चों, वह जो नन्ना सा बीज है, वह चिड़िया से बोलता है कि तुम मुझे अभी मत खाओ, थोड़े दिन के लिए तुम रुकी रहो, जब मैं ज़मीन में अच्छे से गड़ जाऊँगा और थोड़ा सा मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मुझे डाल पात यानी बच्चों उसमें पत्ते निकलना, अंकुरित होना। तो बीज कहते हैं, मैं थोड़ा अंकुरित हो जाऊँगा, मुझ में पत्ते आ जाएंगे, तब तुम मुझे खाना। अब बीज की बात सुनकर चिड़िया चीची करती हुई उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप आकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपले देकर उसके मुंह में पानी भराया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। अब बच्चों, कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी बरसना मतलब बारिश होना। कुछ दिन बाद वहाँ पे बारिश हुई। बारिश का पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। बच्चों, बारिश का पानी और अच्छी धूप मिलने के बाद बीज में क्या हुआ, अंकुर फूटा। अंकुर फूटना मतलब बीज अंकुरित हो गया, स्प्राउटेड हो गया, यानी बीज में से
एक नन्हे से पौधे ने जन्म लिया। बच्चों ये तो आपने भी देखा होगा कि बरसात के समय कहीं पे भी सड़क के किनारे या हमारे घर के आसपास कहीं पर भी कोई दाना गिरा है, कोई बीज गिरा हुआ होता है, या फिर पेड़ पे से जो फल होते हैं उसके बीज गिरे हुए होते हैं सूखकर, तो वह बारिश का पानी पाकर, अच्छी धूप पाकर वह भी अंकुरित हो जाता है और उससे भी नए पौधों का जन्म होता है। तो उसी तरह यह जो नन्हा सा बीज था वह अब अंकुरित हो चुका था। अब वहाँ कुछ दिन बाद वहाँ पर एक बकरी आई। कौन आई बच्चों? बकरी। खोपली देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। खोपले मतलब होता है बच्चों जो नन्हा सा पौधा है उसमें नई और कोमल पत्तियाँ लगना, यानी जो नन्हे नन्हे जो नए पौधे होते हैं जब इसमें नई नई पत्ती आती हैं तो उसे कोपल कहते हैं। अब उन कोपले को देखकर बकरी के मुंह में पानी भराया, पानी भरा मतलब उसे लालच लगा, अरे वाह ये तो कितना प्यारा लग रहा है। तब बकरी ने उसे खाना चाहा और वह बकरी उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब बच्चों जो नन्हा सा कोपल है वो बकरी से कहता है, जैसे ही वो देखता है कि बकरी उसे खाने जाती है तो नन्हा सा कोपल कहता है कि रुकी रहो मतलब अभी अभी रुको, अभी मुझे मत खाओ, मेरी जड़ को और गहरा होने दो, मुझे और मजबूत होने दो, पानी खाद खाने दो मुझे, मतलब मैं मुझे और अच्छा पानी मिल खाने पीने दो, अच्छा खाद खाने दो, जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा तब तुम मुझे खाना। अब कोपल की यह बात सुनकर बकरी वहाँ से मैं करते हुए चली गई। थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई, उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। अब बच्चों थोड़े दिनों के बाद यानी कुछ दिनों के बाद वह जो नन्हा सा बीज था वह अब एक छोटा सा पौधा बन गया। मतलब जो बीज नदी किनारे पड़ा था उसमें पहले तो अंकुर फूटा, फिर उसमें कोपले आए, नए नए पत्ते आए, अब वह बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। अब बच्चों एक दिन वहाँ एक गाय आई, उस गाय ने पौधे को देखा, पौधे को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। अब गाय ने भी उस पौधे को खाने की सोची और जैसे ही उसने पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला उतने में उस नन्हे से पौधे ने कहा, रुकी रहो डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। मतलब जो पौधा था वो गाय को कहते हैं कि रुको तुम मुझे अभी नहीं खा सकती, थोड़े दिन बाद तुम मुझे खाना, मुझ में डाल पात यानी मेरी पत्तियाँ, मेरे डाल और बढ़ने दो, मेरी पत्तियाँ और बढ़ने दो, मुझे अच्छा पानी पीने दो, अच्छा खाद खाने दो, मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊँगा तब मुझे तुम खाना। इस तरह से उस नन्हे से पौधे ने गाय से कहा। अब गाय भी उस पौधे की बात मानती है और वहाँ से रंभाती हुई चली जाती है। रंभाना मतलब होता है बच्चों गाय की अपनी बोली की, जिस तरह से गाय बोलती है उसे रंभाना कहते हैं, गाय की बोली को रंभाना कहते हैं। तो गाय भी पौधे की बात सुनकर वहाँ से रंभाती हुई चली गई। आगे देखिए बच्चों, बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। अब बच्चों
आगे हम देखते हैं कि बहुत दिन बीत गए, यानी बहुत समय हो गया। अब वो जो नन्हा सा पेड़ था उसकी डाली बड़ी बड़ी हो गई थी। अब वहाँ पर एक दिन फिर से वही चिड़िया, वही बकरी और गाय वहाँ पर आई। मतलब जब वह पेड़ एक नन्हा सा बीज था नदी किनारे, जब वो नन्हा सा बीज था तब जो चिड़िया उसे खाने आई थी, तब उस बीज ने उसे मना कर दिया था कि मुझे अभी मत खाओ, मुझे थोड़ा और बढ़ने दो। फिर जैसे ही उसमें अंकुर फूटता है, कोपले आते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं, तो बकरी आती है, तो वह बकरी को भी कहता है कि मुझे अभी मत खाना, मुझे थोड़ा और बड़ा होने दो, मुझे अच्छा खाने दो, तब मुझे तुम खाना। फिर थोड़े दिन बाद जब वह बीज एक छोटा सा पौधा बन जाता है, फिर वहाँ पे गाय आती है और इसी प्रकार से वह गाय को भी मना करता है कि मुझे अभी मत खाना, अभी तुम रुके रहो, मुझे थोड़ा और बड़ा होने दो, मुझ में अच्छे डाल, अच्छे अच्छे पत्तियाँ आने दो, मेरी शाखाओं को बढ़ने दो, तब तो मुझे खाना। तो उसकी बातें सुनकर वे सब तो वहाँ से चले जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे लोग वापस आते हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, वे जो सभी थे वे आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि वो छोटा सा पौधा कहाँ गया। तब बच्चों वहाँ पे एक पेड़ बोल उठता है, वह बोलता है, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर, मैं ही पौधा और मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। अब बच्चों जब सभी आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि कुछ समय पहले हमने यहाँ एक पौधा देखा था, अब वो कहाँ चला गया, तब उनके पास वहाँ पे एक पेड़ होता है और वो उनसे कहता है कि देखो मैं वही बीज हूँ जिसे तुम खाने आई थी, फिर मैं अंकुर बना, अंकुर से मैं पौधा बना, पौधे से मैं पेड़ बना, और अब देखो अब मैं इतना बड़ा पेड़ बन गया हूँ कि मैं सबके काम आ रहा हूँ। अब पेड़ की ये बातें सुनकर सभी बहुत तो देखा बच्चों आपने इस पाठ में बीज से पेड़ बनने की प्रक्रिया को कितनी सुंदर और अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं रामेश्वर दयाल दुबे जी, इन्होंने पेड़ के माध्यम से हमें ये बताना चाहा है कि पेड़ हम मानव जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सोचो बच्चों, अगर उस नन्हे से बीज को चिड़िया खा लेती तो यह पेड़ आज इतना बड़ा हो पाता नहीं ना, बीज खाने के बाद सिर्फ चिड़िया का पेट भरता, या फिर जब वो पौधा बनता है तो सिर्फ उस बकरी का पेट भरता या फिर उस गाय का पेट भरता, लेकिन अब वो नन्हा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन गया है जो कि सबके काम आ रहा है। पेड़ से हमें उसके फल फूल उसकी छाया सभी प्राप्त हो रही है और इतना बड़ा होने के बाद वह एक दिन नहीं वह रोज़ सबके काम आएगा। तो बच्चों इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें यह संदेश देना चाहा है कि हमें अपने पर्यावरण को अगर बनाए रखना है, हमें अपने आप को आगे अच्छा सुखद जीवन जीते हुए देखना है तो हमें वृक्षों की कटाई पर रोक करनी होगी। बच्चों आजकल हम देख रहे हैं कि हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अपने काम के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हाँ हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसका दुगना पेड़ लगाना भी चाहिए। बच्चों अगर इसी तरह से पेड़ की कटाई बढ़ती जाएगी तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है कितना प्रदूषित हो गया है। कई कई शहरों में तो सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि पेड़ों की इतनी कटाई ऊँची होने के कारण ऊँची ऊँची जो वहाँ बिल्डिंगें बनी हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो बच्चों अगर हमें अपना पर्यावरण और अपने आप को सुरक्षित और अच्छा देखना है तो हमें पेड़ों की रक्षा करनी है। बच्चों इस पाठ में कुछ कठिन शब्द हैं,
जिनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे अंकुर, अंकुर का अर्थ होता है अंकुरित बीज। उसी तरह से किनारा, किनारा यानी तट। तीसरा है प्रगति करना, प्रगति मतलब तरक्की करना, प्रोग्रेस करना। कोपल, कोपल का अर्थ होता है पुष्पपुंज या उसे मंजरी भी कहते हैं। बीज, बीज यानी दाना या सीड जिसे कहते हैं। और गाड़ना, गाड़ना यानी दबाना। बच्चों ये शब्दार्थ, ये कठिन शब्द आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ दिन बाद डैश बरसा, अब इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? कुछ दिन बाद पानी बरसा। दूसरा है नदी के डैश एक बीज पड़ा था, अब उत्तर क्या होगा यहाँ पे? नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। इसी प्रकार से तीसरा है गाय ने डैश को खाने के लिए मुंह खोला, उत्तर है गाय ने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। कहता है वह डैश मारकर बीज को खाने लगी, इसका उत्तर है वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। अगला प्रश्न है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बीज में से अंकुर कैसे फूटा, इसका उत्तर है पानी और धूप पाकर बीज में से अंकुर फूटा। दूसरा प्रश्न है पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था, इसका उत्तर है पौधा बड़ा होकर एक पेड़ बन गया। तीसरा प्रश्न है नदी के किनारे कौन आई, इसका उत्तर है नदी के किनारे चिड़िया आई। चौथा प्रश्न है क्या देखकर बकरी के मुंह में पानी भर आया, इसका उत्तर है बकरी के मुंह में कोपले देखकर पानी भर आया। अगला प्रश्न है उचित जोड़ियां मिलाइए। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं कुछ पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं और उनकी बोलियां। अब हमें इन पशु पक्षियों की सही बोलियों के साथ उनकी जोड़ी मिलानी है। तो पहला है चिड़िया, अब चिड़िया कैसे बोलती है बच्चों? ची ची, तो इसका उत्तर है ची ची। इसी प्रकार से दूसरा है घोड़ा, घोड़ा कैसे कहता है? घोड़ा हिनहिनाता है, तो इसका उत्तर है हिनहिनाहट। तीसरा है बकरी, अब बकरी कैसे कहती है? मैं, तो इसका उत्तर है मैं। और चौथा है शेर, शेर क्या करते हैं बच्चों? दहाड़ता है, तो इसका उत्तर है दहाड़ना। अगला प्रश्न है बच्चों पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है वह चोंच मारकर बीज को खा गई, अब बच्चों हमें यह वाक्य देखकर समझना है कि यह वाक्य सही है या गलत है। अब क्या चिड़िया ने चोंच मारकर बीज को खा लिया था? नहीं ना, तो यह वाक्य क्या है? गलत। तो इसके सामने हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है एक दिन बकरा आया, अब बच्चों वहाँ एक दिन कौन आती है? बकरी आती है, तो बकरा यहाँ पे क्या है? गलत है, तो इसके सामने भी हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई, अब बच्चों खोपले की बात सुनकर बकरी क्या करती है? बकरी मैं सुनकर चली जाती है, तो ये वाक्य सही है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। चौथा प्रश्न है उसकी डाले बड़ी बड़ी हो गई, अब बच्चों किसकी डाली बड़ी हो गई? पौधे की, जो नन्ना सा पौधा था अब उसकी डाली बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो ये वाक्य भी क्या है? सही है, तो इसके सामने भी सही का चिन्ह
लगाइए। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।